बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हादसा, पिकअप मिनी ट्रक और कार की टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, तीन टायर हुए अलग, कार चालक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। रिठौज मोड़ के पास हुआ हादसा, रॉन्ग साइड पर पिकअप ला रहा था चालक। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार चालक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। रिठौज मोड़ के पास हुआ हादसा, सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हादसा, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिकअप मिनी ट्रक और कार में हुआ टक्कर, कार के ऊपर पर खच्चे, कार चालक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। रिठौज मोड़ के पास हुआ हादसा, सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हादसा, पिकअप मिनी ट्रक और कार की टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, तीन टायर हुए अलग, कार चालक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। रिठौज मोड़ के पास हुआ हादसा, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कार के पर खच्चे उड़ गए हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी की हालत और कार की जो हालत हुई है उसी को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है जिसमें कार के तीन टायर अलग हो गए, कार के पर खच्चे उड़ गए, कार की पूरी बॉडी भी सड़क पर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस पे टोल से आगे जो है पिकअप गाड़ी का और इसका फॉर्चूनर का एक्सीडेंट हो गया, जो इस सूचना पे हम पहुंचे और जो है मौके से जो विक्टिम थे वो जा चुके थे हॉस्पिटल। हमने इसको ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया और गाड़ी को और इसको अपने उस पे रोड से हटवा के रखा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की चार बड़ी खबरों को लेकर मैं आऊं आपके साथ दुर्गेश पांडे। पहली खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक दौरे को लेकर है, वहीं सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी खबर हरियाणा में पहले चरण के चुनाव को लेकर है, जहां चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। तीसरी खबर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर है, जहां अपनी मांगों को लेकर वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आखिरी और चौथी खबर जींद से है, जहां जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन पर निशाना साधा। उन्होंने यह कहा कि हुड्डा ने कुरीतिपूर्ण तरीके से शासन किया था और पिछले आठ साल से हम उन कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। यह कहना है प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। वहीं दूसरी खबर वोटिंग से जुड़ी हुई है, जिसमें चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो रही हैं। प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक प्रदेश में कुरीतिपूर्ण तरीके से शासन किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 8 साल में उन कुरीतियों को दूर किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, चाहे वो काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यही वजह है कि उनके विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता
तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं है। वो कम से कम अगर हम बताते हैं उनके 10 साल जो उन्होंने विधानसभा उठाने हैं इस प्रदेश में, जिस प्रकार का एक कुरीति पूर्वक जैसा उन्होंने शासन की व्यवस्था उस समय की थी, हमने उन सब कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की जो हकदार बन रही है, हमी भर करके आगे बढ़ रही है। उसमें मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने एक स्वच्छ प्रशासन दिया। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर को होगा। बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुकी हैं, वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं रादौर में भी पंचायत चुनाव को लेकर फाइनल रिहर्सल कर ली गई है। इस मौके पर चुनाव अधिकारी और एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इसी को लेकर पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए और वोटिंग के लिए प्रशासन भी लगातार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में प्रशासन अपने तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। वहीं कहीं पर पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात की जा रही, तो वहीं दूसरी ओर जो वोटिंग कराने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी ट्रेनिंग पूरी की जा रही है। पोलिंग पार्टीज को आज डिस्पैच किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने और एसपी साहब ने बादली में, बहादुरगढ़ में और झज्जर भी पोलिंग पार्टीज को, पुलिस पर्सनल को ब्रीफ किया है। बेसिकली ट्रेनिंग एडिक्वेट हो चुकी है पोलिंग पार्टीज की, सिर्फ ये इंश्योर कराने के लिए कि पोलिंग पार्टी और पुलिस पर्सनल पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के मतदान कराएंगे, मतदान की अपनी ड्यूटी निभाएंगे। और अपेक्षा है लोगों से, आप लोगों के माध्यम से अनुरोध भी है लोगों से कि जो चुनाव की आदर्श चुनाव प्रक्रिया है, जो संहिता है, उसके अनुसार लोग अपने मतदान करें। कोई भी व्यक्ति चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश करता है या चुनाव के अंदर कोई गलत मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्ती की जाए। पूरे जिला झज्जर में चुनाव संबंधित प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के मद्देनजर 3,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें रेंज के दूसरे जिलों से भी पुलिस आई है। तो इसी में उसके अलावा जो पोलिंग पार्टी है, पोलिंग पार्टी के पोलिंग बूथ पे सिक्योरिटी, उसके अलावा हमने पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई है 64, और वो उनका हमारा टारगेट ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पे वो पोलिंग पार्टीज 15-20 मिनट के अंतराल पर पहुंचते रहे। इसके साथ साथ रिजर्व फोर्स भी रखी गई है और सुरक्षा के बाकी जो नियामक है उनका पूरा स्टेट इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से हमने किया गया। जिला यमुनानगर जो हमारे पंचायत आम चुनाव हो रहे हैं, छोटे आम चुनाव हो रहे हैं, प्रथम चरण में है, इसमें दो चरणों में हमारा चुनाव होगा। 30 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद का और 2 तारीख को सरपंच और पंच पद का चुनाव होना है। जिला परिषद में हमारे 18 वार्ड हैं, 18 के 18 वार्ड में हमारे चुनाव है। पंचायत समिति में हमारे 7 पंचायत समिति में 142 पद बनते हैं, 142 में से 3 या मेरे पंचायत समिति सदस्य सर्वसम्मति से होने के हैं, 139 में वहां पर चुनाव हो रहे हैं। जिला परिषद पंचायत समिति के इलेक्शन के लिए आज आखिरी रिहर्सल थी, सामान वितरित किया जा रहा है। 103 बूथ बनाए गए हैं, जिन इन बूथों में इन पार्टियों को ईवीएम और अन्य सभी चुनावी सामग्री देकर अपने बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाइजर इन बूथों के ऊपर लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्था है और कल का चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र मेहता हमारे संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, क्या कुछ अहम तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर? बिल्कुल, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मैं कहूंगा कि अगले कुछ घंटे में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है चुनाव की। सुबह 7 बजे प्रक्रिया शुरू होगी और उसको लेके जो प्रशासन है पूरी तरह लोगों में
बहाली कर रहा है विश्वास की, और उसके लिए फ्लैग मार्च भी निकाले जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। कल सुबह 7 बजे जैसे मतदान शुरू होगा उससे पहले पहले ये चुनाव अधिकारी अपना अपना मोर्चा संभाल लेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत आए तो उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा बल है और उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जी सुनिंदा, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित थराम भी हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता झज्जर से। सुमित, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, कल जो है चुनाव होना है जिला परिषद और ब्लॉक समिति का, और उसको लेकर झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। ईवीएम मशीन जो है लगभग बोर्ड पर पहुंच चुकी है और जिला प्रशासन ने झज्जर और बहादुरगढ़ एरिया का हर तरह से जांच की है और सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है हर बूथों पर। वहीं पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम का भी कहना है कि इस हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव जो है कराया जाएगा। फिलहाल जो है 3000 जो पुलिस कर्मी के जवान है वो इस चुनाव को कमान संभालेंगे, और जो पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने कहा है कि 7 जिलों से जो है पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है और हर संभव जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव प्रक्रिया को कराया जाएगा और आगे भी सरपंच के भी चुनाव होने हैं, ऐसे ही उनमें भी चुनाव कराया जाएगा। सुमित, यह जानना चाहूंगा आपसे कि ये वोटिंग किस दिन होनी, जिला परिषद के लिए वोटिंग किस दिन होगी और पंचायत चुनाव जो सरपंच और पंच के चुनाव है उसके लिए वोटिंग किस दिन होगी, और जो संवेदनशील बूथ है और अति संवेदनशील बूथ है उनको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, आपको बता दें कि कल जो चुनाव होने हैं वो परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होने हैं, और जो सरपंच की बात करें तो वो दो तीन तारीख को होने हैं, और संवेदनशील की अगर वो की बात करें तो पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम द्वारा जो है मीडिया के माध्यम से कहा गया है कि उन चिन्हित जगहों को चिन्ह लिया गया है और ऐसी जहां पर स्थिति और गड़बड़ी की संभावना है वहां पर पुलिस फोर्स का और ज्यादा लगाव कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और जैसे ही अगर किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है तो वहां पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने जो है जवानों को सख्त आदेश दे दिए हैं, लाइन से ही जो है वोट डालने वाला जो है अपनी बूथ पर जाएगा और पहचान पत्र के साथ जो है अंदर प्रवेश किया जाएगा। महिलाओं के लिए महिला पुलिस जवान लगाए गए हैं और जेंट्स के लिए जो जेंट्स पुलिस जवान लगाए गए। फिलहाल जो है 3000 पुलिस कर्मचारी जो है चुनाव की कमान संभाले जाएंगे। जी सुरेंद्र, आपसे एक सवाल है मेरा, जो यमुनानगर में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की और कितने ये बूथ हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं? बिल्कुल, यमुनानगर जिला की बात करें तो दोनों मिला के करीब करीब 250 के करीब ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, और उनके लिए जो सुरक्षा बल है नॉर्मल में जहां होता है उनसे डबल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट 24 घंटे तैनात रहेगा और CCTV कैमरे का वहां पर रन किया गया है। कोशिश ये होगी क्योंकि ये पिछला इतिहास देखा जाता है, पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, वहां दंगे हुए हैं, कोई नुकसान हुआ है, तो इसी तरह से ऐसे बूथों को जो संवेदनशील है उनकी श्रेणी में रखा जाता है। पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ये सारी व्यवस्था कर ली गई है ताकि ये जो चुनाव है शांतिपूर्ण हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र और सुमिता, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। वहीं पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अब बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे ये सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने शहर में पुलिस की मौजूदगी में सफाई अभियान चलाया, जिसका नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल सफाई कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों को मानने की अपील की है। आज हमने सुबह दिन में भी प्रदर्शन किया और रात में भी प्रदर्शन किया, पुलिस कर्मचारी हमें रोक दिया, यहाँ पर रोक कर रहे जो बाहर कर्मचारी प्राइवेट काम कर रहे, जिसमें सेक्टरी SI CSI सारे मिलकर
अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी सभी मिलकर रोड पर प्राइवेट आदमियों से काम करवाना चाहते हैं। अपने विरोध करने वाले तो करते ही हैं, हाई हो रही है ना जी, शांति बैठे हैं अंदर, नारेबाजी कर रहे हैं जी। यहाँ दादरी शहर की कोई सुनवाई करते खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुशील, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, आज 11वां दिन है और वो हड़ताल पे हैं। ऐसे में शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो काफी चरमरा गई है, जगह जगह सूजे हैं और इसी के मद्देनजर मशीन के सहारे सफाई करने की कोशिश की। इसमें कुछ सफाई करनी थी और स्वीपिंग मशीन जैसे ही चलाने की कार्यवाही शुरू तुरंत सफाई करनी थे वो वहां पहुंचे इस मशीन को ढूंढा और वहां शुरू कर दी। रात करीब 11 बजे तक वहां पुलिस की पीसीआर और काफी पुलिस अपन विभक्त किया गया, जिसके बाद वो सफाई करनी हटे लेकिन उन्होंने सफाई नहीं करने दी। कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जहां पर कंटिन्यू जो सफाई करनी है वो सफाई कर ही नहीं रहे, वो सफाई जो किया जाता है उसका विरोध भी कर रहे हैं और देखा जा रहा है। हालांकि इस अंतर नाम का डिप्टी कमिश्नर से बयान भी जारी किया है और कहा है कि लोग भी सफाई करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, वो सरकार से वार्ता कर रही है और उसका नतीजा दिएगा, लेकिन जो लोग भी सफाई कर्मियों को रोकते हैं या सफाई व्यवस्था करने वाला बदतमीजी करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को निर्देश भी दिया गया है कि पुलिस इस पूरे मामले पर पुलिस अपने बंदोबस्त में सफाई करवाए और साथ ही ऐसे लोगों पर जो रोकथाम करते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जी इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चरखी दादरी से उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ स्थिति है चरखी दादरी में? जी पुलिस बल मैं बताना चाहूंगा, चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों की पिछले काफी समय से जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है और सफाई कर्मचारी कहना कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो हड़ताल पर ऐसे ही लगातार जो है जारी रखेंगे। उसके साथ में सफाई की व्यवस्था को देख करके काफी जो है कूड़े के ढेर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सफाई जो है और लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसका सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताया। उमेश, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रशासन अगर कूड़ा उठाने जा रहा है दूसरे विभाग की मदद से तो उसको प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका जा रहा है, तो क्या ये रोकने के दौरान कोई विवाद या किसी तरीके की झड़प की भी कोई खबर है क्या? जी सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताया, जो उनका कहना है कि जो सफाई व्यवस्था है दादरी चरखी दादरी की बात की जाए चरखी दादरी व्यवस्था हम ही करेंगे और हमारी लगातार हड़ताल है इसलिए जिला प्रशासन द्वारा और लोगों से सफाई न की जाए और हमारी मांगे जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सुशील, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो सफाई कर्मचारी अगर प्रशासन दूसरे विभागों से कूड़ा उठवा रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं पर कोई तनाव की स्थिति बनी क्या? निश्चित तौर पर कई खबरें प्रदेश ऐसी आई है गुरुग्राम जहां देखा गया है कि जब प्रशासन दूसरे विभाग के थ्रू या कोई समाज सेवी संगठन सफाई कार्य में जुटता है तो उसका पुरजोर ये लोग विरोध करते हैं, वहां मौके पर जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में जाने के बाद पुलिस के सामने हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। सदर बाजार की सफाई दीपावली से एक दिन पहले होनी थी और इसको लेकर जिस तरह से सफाई कर्मी वहां पहुंचे थे जुटे थे आनंद फानंद में पुलिस को, पुलिस ने हालांकि एक्शन नहीं दिया है कि आनंद फानंद में सफाई कार्य कुछ होना पड़ा था। निश्चित तौर पर ये खबरें इस तरह की तमाम आती है और इनका मानना है सफाई कर्मियों का कि ये काम उनका है और अगर सरकार करा लेती है तो निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी लड़ाई भी वही है कि सभी संगठन इसमें शामिल नहीं है। देखिए जो प्रदर्शनकारी है जो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो नगर पालिका के हों, नगर परिषद के हों या नगर निगम के हों, भाग के जो सफाई कर्मचारी है इसमें पूरा सभी यूनियन शामिल नहीं है। कुछ यूनियन है जो हड़ताल पे है, कुछ लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं और वे लोग काम न कर पाए इसको लेकर ज्यादा फोकस रहता है और तमाम जो सफाई कर्मी जो हड़ताल पे है ये लोग जाते हैं कि हम ये कहें कि पूरा का पूरा शहर या पूरे प्रदेश में सभी सफाई कर्मी हड़ताल पे है, ऐसा नहीं है। सभी सफाई कर्मी सभी यूनियन इसमें शामिल नहीं है, कुछ यूनियन ऐसी हैं जो आज भी अपनी सफाई कर। सुशील, खबरें ऐसे भी आ रही थी कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं रात में भी ये धरना दे रहे हैं और गश्त कर रहे हैं कि कहीं रात में प्रशासन कूड़ा ना उठवा दे, क्या इस तरीके की कोई खबर गुरुग्राम से भी है? देखिए दुर्गेश, मैंने वही चीज आपको बता रहा हूँ बार बार कि रात की ये खबर है, घटना रात की है कि गुरुग्राम में जब सफाई अभियान चलाया जा रहा था शासन के द्वारा और इस
स्वीपिंग मशीन उद्यम के तहत जब सफाई की जा रही थी उस दौरान सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी वहां पहुंचे थे। उन्होंने गाड़ी को रोक दिया और सफाई नहीं करने दिया, एक बल्ब बुलाना पड़ा और उसके बाद भी ये घंटों तक रात 11 बजे तक नारेबाजी करते रहे और हटे नहीं। और ये तमाम लोग हैं दिन में धरना देते हैं और रात को इनकी निगाहें रहती है, मुद्दा उठाना कोई उठाने के लिए कोई समाजसेवी संगठन या फिर दूसरे संगठन दूसरे यूनियन के लोग जो सफाई कर्मी जो कार्यरत हैं वो ना आ जाए या किसी तरह से पुलिस सफाई ना करवाए, क्योंकि इसका ध्येय यही है कि अगर ये हड़ताल पे है तो पूरा शहर कूड़ादान बन जाए, पूरा दिखे हर जगह और तब जाकर सरकार को कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। लेकिन इसी के मद्देनजर गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर ने निशांत कुमार यादव ने आज एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं उनका हक है, उनकी डेमोक्रेसी है, वो अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन वे कहीं भी जाकर किसी भी सफाई अभियान में वो घोड़ा नहीं अटका सकते। वो अगर कहीं इस तरह की बदतमीजी या पुलिस के साथ लड़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा और इसको लेकर बाकायदा पुलिस को उन्होंने एक लिखित में भी दिया कि पुलिस इसकी व्यवस्था करे और ऐसे लोगों पर जो रात को सफाई अभियान रोकते हैं इन पर कानूनी कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उमेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। वहीं जींद जिले में एचआईवी पॉजिटिव के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस साल 7 महीने में ही करीब 106 केस सामने आ चुके हैं। जिले के सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि मरीजों में ज्यादातर मरीज 25 से 40 साल के युवा हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में 30 से 35 नए हॉटस्पॉट एरिया भी सामने आए हैं। वहीं इन सभी हॉटस्पॉट एरिया में मिलने वाले संदिग्ध मरीजों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिससे एचआईवी पीड़ितों की सही संख्या का पता लग सके। जींद में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और 7 महीने में ही 106 नए केस सामने आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से लगातार एलिसा का टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि कितने मरीज हैं और नए हॉटस्पॉट एरिया का भी पहचान किया जा रहा है ताकि मरीजों की ठीक ठीक स्थिति का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि ये जो नए मरीज सामने आ रहे हैं इनमें से ज्यादातर की उम्र 25 से 40 साल के बीच की है, जो काफी चिंतनीय भी है क्योंकि लगातार युवाओं में एचआईवी के मामले देखे जा रहे हैं जींद में। एचआईवी और बाकी जो सेक्सुअल डिसीज है उनको लेकर जो है समय समय पर जो है वो अवेयरनेस कैंपेन जो है हम लोग लगाते रहते हैं, और चाहे हमारी जो यंगस्टर जहां इकट्ठे यूथ जहां इकट्ठा होता है, चाहे वो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है या ट्रक यूनियन है, जो लोग अपने घरों से दो दो तीन तीन महीने के लिए दूर रहते हैं जिनको इनकी अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, हम लोग उनको बार बार अवेयर करते रहते हैं कि सिंगल पार्टनर होना चाहिए। आप लोग जो है यदि लंबे समय तक बाहर जाए और अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करें और जो भी बताओ के तरीके हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं हम लोग। आपको बता दें कि जींद में लगातार एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 7 महीने में ही 106 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मरीजों में ज्यादातर 25 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग हैं जो लगातार एड्स के शिकार हो रहे हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।